गुड मॉर्निंग। संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत। पिछले कलांश में हम वाक्य पढ़ रहे थे, हमने वाक्य की परिभाषा पढ़ी और उसके बाद क्रिया के आधार पर वाक्य पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कृतवाच्य प्रधान वाक्य, भाववाच्य प्रधान वाक्य और कर्मवाच्य प्रधान वाक्य। आज उससे आगे बढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर ही पर वाक्य के वाक्यों के आठ प्रकार हैं। सबसे पहली बात, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? आठ प्रकार हैं, जिसमें एक एक वाक्य की हम चर्चा करें। पहला वाक्य, विधानार्थक वाक्य। देखिए, विधानार्थक वाक्य क्या होता है कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें इसी प्रकार के वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है, अर्थात क्रिया द्वारा कार्य होने की जानकारी मिलती है। यानी इस प्रकार के वाक्यों में किसी बात का होना पाया जाता है, अर्थात क्रिया द्वारा, अर्थात इस प्रकार के वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है, अर्थात क्रिया द्वारा कार्य होने की जानकारी मिलती है। विधानार्थक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में किसी बात का होना पाया जाता है, अर्थात क्रिया द्वारा कार्य होने की जानकारी मिलती है। अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला प्रकार विधानार्थक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में किसी बात का होना पाया जाता है, अर्थात क्रिया द्वारा कार्य होने की जानकारी मिलती है। दूसरा प्रकार है वाक्य का निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य, ये जो निषेधात्मक वाक्य होते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में कार्य का निषेध होता है, अर्थात वाक्य में किसी कार्य के न होना या किसी विषय का अभाव का बोध होता है। क्या होता है? इस प्रकार के वाक्यों में कार्य का निषेध होता है तथा किसी कार्य के न होने व अभाव का बोध होता है। यानी निषेधात्मक वाक्य होते हैं, नेगेटिव वाक्य होते हैं, इसमें इस प्रकार के वाक्यों में कार्य का निषेध होता है तथा किसी कार्य के न होने व अभाव का बोध होता है। निषेधात्मक जो वाक्य होते हैं उसमें कार्य का निषेध होता है और वाक्य में किसी कार्य के न होने या किसी विषय का अभाव का बोध होता है। यानी कार्य का न होना या किसी कार्य के अभाव का बोध।
पहला वाक्य हमने पढ़ा विधानार्थक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है, अर्थात क्रिया द्वारा कार्य होने की जानकारी मिलती है। दूसरा निषेधात्मक वाक्य, इस प्रकार के वाक्य में कार्य का निषेध होता है तथा कार्य के न होने का अभाव का बोध होता है, यानी कार्य का न होना है किसी कार्य का अभाव का बोध। इसके बाद में अगला जो वाक्य का प्रकार है वो है इच्छार्थक वाक्य। पहला विधानार्थक, दूसरा निषेधात्मक और तीसरा वाक्य का प्रकार है वो है इच्छार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य तीसरा। आज्ञार्थक वाक्य में क्या होता है कि वाक्यों में आदेश, आज्ञा, उपदेश दिया जाता है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें आदेश, आज्ञा या उपदेश दिया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में किसी अन्य के द्वारा आज्ञा दी जाती है, अर्थात आज्ञा देने का बोध होता है। यानी इस प्रकार के वाक्यों में आदेश, आज्ञा व उपदेश दिया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में किसी दूसरे द्वारा आज्ञा दी जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा आज्ञा दी जाती है और आज्ञा देने का बोध होता है, अर्थात आज्ञा देने का बोध होता है, आज्ञा देने का बोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, जैसे तुम अपना गृह कार्य करो, आज्ञा है, आदेश है, तुम अपना गृह कार्य करो। दूसरा नारायण तुम खाना खाओ, नारायण तुम खाना खाओ। इसके अलावा शारदा तुम यह काम करो, शारदा तुम यह काम करो, यानी आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। उसमें इस प्रकार के वाक्यों में आदेश, आज्ञा व उपदेश दिया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में किसी दूसरे द्वारा आज्ञा दी जाती है, अर्थात आज्ञा देने का बोध होता है। उदाहरण के लिए जैसे तुम अपना गृह कार्य करो, नारायण तुम खाना खाओ, शारदा तुम यह काम करो। ये था अपना आज्ञार्थक वाक्य। इसके बाद में है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें कोई बात पूछी जाती है, वाक्य में प्रश्न का भाव प्रकट होता है, वाक्य का संबंध किसी विषय में प्रश्न पूछने का होता है। अगला नंबर चार है ना, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों के संबंध में पढ़ें तो इस प्रकार के वाक्यों में कोई बात पूछी जाती है, इस प्रकार के वाक्यों में कोई बात पूछी जाती है, अर्थात
वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, वाक्यों में प्रश्न का बोध होता है। इस प्रकार के वाक्य होते हैं उसमें कोई बात पूछी जाती है, अर्थात वाक्यों में प्रश्न का बोध होता है। वाक्य का संबंध किसी विशेष के प्रश्न पूछने से होता है। वाक्य का संबंध किसी विषय के प्रश्न पूछने से होता है, यानी प्रश्न निहित होता है और वाक्य का संबंध किसी प्रश्न पूछने से इसका संबंध होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है। इस प्रकार के जो दोनों वाक्य हैं उसमें किसी प्रश्न पूछने के भाव का बोध होता है। इसी प्रकार नरेश कहाँ रहता है, नरेश कहाँ रहता है, सॉरी इन सब के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। वह कौन है, तो चार वाक्य अर्थ के आधार पर हमने चार वाक्य पढ़े। पहला पढ़ा हमने विधानार्थक वाक्य, जिसमें जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है, क्रिया द्वारा कार्य होने की जानकारी मिलती है। निषेधात्मक वाक्य, जिसमें न होने का बोध होता है या किसी अभाव का बोध होता है और वाक्य में निषेध का अभाव होता है। इसके बाद में आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य में उपदेश आज्ञा दिया जाता है। और लास्ट हमने पढ़ा प्रश्नवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में कोई बात पूछी जाती है, अर्थात वाक्यों में प्रश्न का बोध होता है। वाक्य का संबंध किसी विषय के प्रश्न पूछने से होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, वह क्या खा रहा है, नरेश कहाँ रहता है, वह कौन है। आगे के जो चार वाक्य हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर चार वाक्य। धन्यवाद, तब तक।